मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इंग्लिश चैलेंज के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि अपन लुसेंट किताब से प्रीपोजिशंस कर रहे थे, सेक्शन टू में अपन 20 तक कर चुके हैं। चलिए 21 से स्टार्ट करते हैं। आज ये पांच ही है, उसके बाद नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे क्योंकि कंप्लीट है तो वीडियो काफी छोटा रहेगा। 21, ही कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर। प्रिवेंट का मतलब है किसी को रोकना, तो मेरे को नहीं रोक सकता वहां पे जाने के लिए। प्रिवेंट के बाद ये अपन चीज पहले भी कर चुके हैं, प्रिवेंट के बाद आपको हमेशा इंग्लिश में फ्रॉम लगाना है और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है तो गोइंग हो जाएगा। यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन जैसे आप प्रिवेंट के बाद फ्रॉम लगाएंगे, ये प्रीपोजिशन प्रिवेंट के बाद फ्रॉम आता है, प्रीपोजिशन हो जाएगा और फ्रॉम के बाद गोइंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही कैनॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर, वो मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। 22, माई बुक हैज बिन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे। सेंस हो जाएगा, क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, मेरी जो बुक है, बुक इट हैज बीन आ गया। माई बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम सिंस, मेरी जो किताब है मेरे रूम से मिसिंग है कल से। तो माई बुक कौन है, इट, इट के साथ हैज बीन आता है, हैज बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। समय लगा है, कहाँ से गायब, मेरे रूम से गायब है, कब से, कल से। तो कल से के लिए सिंस आएगा, अगर आप कह रहे हो 4 घंटों से तो 4 आ जाएगा टोटल ड्यूरेशन के, लेकिन कल से तो टिल नहीं आएगा, सिंस आएगा। तो माई रूम, माई बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम सिंस यस्टरडे। 23, अकबर केम ऑन द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज। अकबर जो था राजगद्दी पे बहुत जल्दी एज पे बैठा था, तो केम टू होता है, केम ऑन नहीं होता। केम टू का मतलब होता है कहीं पे रीच होना, कहीं पे पहुंचना या किसी चीज को अचीव करना। तो केम टू होता है, कभी भी आए थ्रोन के लिए तो कम लगा हुआ हो, केम लगा हुआ हो, वो टेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपको ऑन नहीं लगाना है, आपको टू लगाना है। 24, यू मस्ट प्रोवाइड टू योर चिल्ड्रन अगेंस्ट द इविल डे। ओके, प्रोवाइड ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपका नया भी है एक्चुअली। प्रोवाइड फोर होता है इंग्लिश में, ठीक है। प्रोवाइड फोर का एग्जैक्टली एक्चुअली जो प्रोवाइड फोर होता है, ये फ्रेजल वर्ब होती है, एक अलग सा टॉपिक भी होता है, और ये यहाँ पे प्रीपोजिशन काम कर रहा है। एक्चुअली प्रोवाइड फोर का मतलब क्या होता है, किसी की देख रेख करना और पैसा कमाना, ठीक है, और जब भी उनको जरूरत हो तो उनको वो चीजें ला के देना। तो प्रोवाइड फोर, आप यू मस्ट प्रोवाइड फॉर योर चिल्ड्रन अगेंस्ट द इविल डे, तुम्हें अपने बच्चों के बुरे दिन के लिए उनके लिए कमाना चाहिए, जो भी चीज उनको चाहिए वो आपको देनी चाहिए। तो प्रोवाइड फोर होता है इंग्लिश में, प्रोवाइड टू कभी नहीं होता। प्रोवाइड फोर आपको डायरेक्ट याद रखना है, प्रोवाइड फोर का मतलब होता है किसी के लिए पैसा कमाना और जो भी उसकी जरूरत है, नीड, उसको कंप्लीट करना बुरे दिनों में, या उसको हमेशा हेल्प करना, उसको प्रोटेक्ट रखना। 25, आई विल सेंड यू दिस बुक लेटेस्ट बाय 10th February। ये बिल्कुल नो एरर है। बाय और बिफोर का मतलब होता है पहले पहले, ठीक है, बाय या बिफोर। तो 10 फेब से पहले पहले आई विल सेंड, मैं तुम्हें किताब भेज दूंगा जो लेटेस्ट है 10 फेब से पहले पहले। तो बाय का मतलब बिफोर होता है, क्लियर, बिल्कुल सही है। तो बाय बिफोर का मतलब होता है पहले पहले, तो इसमें नो एरर हो जाएगा। राइट, तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है, कल अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।